political rights, land rights, language rights of the indigenous people of Tripura. हमने और कुछ मुद्दे भी उठाए हैं besides जो हम लोग हमेशा कहते हैं 10,323 टीचर्स के बारे भी हमने बात उठाया है. हमने और एक बात रखा है कि NLFT ATTF अकॉर्ड के बाद 250 करोड़ अनाउंसमेंट दिया गया, लेकिन बहुत लोग हैं बंगालीज एंड ट्राइबल्स जो इंसर्जेंसी में उनको बहुत ख़राब तरीके से इफ़ेक्ट किया गया था, जिनके जान गई, जिनका घर जल गया, जिनको बेघर कर दिया गया, दुकान जलाया गया, उनको भी कुछ मिलना चाहिए. वायलेंस में जो लोग अफेक्टेड हुए हैं इर रिगार्डलेस ऑफ बंगाली ट्राइबल्स, मणिपुरीज, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, उनको भी कुछ मिलना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने ये राइटिंग में दिया है. हमने तिपरासा के बारे तो बात किया ही है, लेकिन हमने मणिपुरी कम्युनिटी के बारे भी, उनको भी एक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनका भी एक सीट बढ़ना चाहिए त्रिपुरा असेंबली में, उसके बारे भी हमने बात किया है. रिगार्डिंग जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपने देखा है कि दो दिन पहले हमारा प्रोटेस्ट निकला बांग्लादेश हाई कमीशन के वहाँ. जो बांग्लादेश में पिछले दिन से चल रहा है, जब से शेख हसीना का सरकार हटी है और न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आया है, वहाँ में हमारे हिंदू, बंगालीज, तिपरासा, चाकमा, मॉग, मणिपुरी, खासी, गारो, जयंतियाज, कुकीज, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो क्रिश्चियंस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बुद्धिस्ट के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अनएक्सेप्टेबल है. और जो थोड़े दिन पहले हुआ है, ये हमको क्लियरली लगता है कि ये प्लान्ड है, और अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये चलते रहेगा. ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ है. नोआखाली में ये पहले हुआ, 40s में हुआ, 50s में हुआ, 60s में हुआ, कुमिल्ला में हुआ, चाकला रोशनाबाद में हुआ, कपकाई डैम के तरफ उस समय बहुत जनजाति को हटाया गया, बंदरबन में हुआ, खागड़छड़ी में हो रहा है. ये कब तक चलेगा? जब भी मौका मिलता है हमारे माइनॉरिटीज को बताया जाता है कि ये आपका जगह नहीं है, आप यहाँ से हटिए. हम लोग क्यों हटेंगे? वो जगह हमारा है, हम लोग हजार साल से रहे हैं. और अगर बांग्लादेश अपना रवैया चेंज नहीं करता है तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उठाना चाहिए. ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है और बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सामने. बांग्लादेश आज वर्ल्ड का नंबर वन गारमेंट मैन्युफैक्चरर है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाइए. अगर कोई देश अपना माइनॉरिटीज को सुरक्षा नहीं दे सकता है, सिस्टमैटिकली उनका घर को जलाया जाता है, जहां में हमारा पूजा होता है, जहां में हमारा चर्च होता है, जहां में हमारा बुद्ध मंदिर होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है. हमारे औरत को, क्योंकि हमने उनका बात नहीं माना, तो हमारे औरत को उठाया जाता है, तो जवाब तो देना पड़ेगा. और अगर हम जवाब देते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट को उठा लेंगे, नॉर्थ ईस्ट हमारा है. ये सब स्टेटमेंट्स जो दिया जा रहा है, मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ स्ट्रांग पोजिशन ऑन बांग्लादेश, नॉट ऑन द पीपल ऑफ बांग्लादेश बट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश. मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, और मैं अपने दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका यह मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में, इंडिया में हम लोग मुस्लिम के ऊपर भी अटैक करें. जब 26 तारीख को हमारा रैली होगा इन सॉलिडेरिटी विद द माइनॉरिटीज, मैं आशा करता हूं कि त्रिपुरा का जो मुसलमान है वो भी हमारे संग कंधे से कंधे लगाकर खड़ा रहेगा और कंडेम करेगा बांग्लादेश सरकार का एक्शन, और मैं जानता हूं कि वो ऐसा ही करेंगे. देश में आप अपने लोगों को ऐसे तरीके से बर्ताव नहीं कर सकते. और बांग्लादेश हाई कमिश्नर जो त्रिपुरा में बैठा है, उनका क्या बयान है, वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं? इंडियन एम्बेसडर, बांग्लादेश एम्बेसडर टू इंडिया, उनका क्या बयान है, ये भी हमको मालूम करना है. अगर आज हम लोग सब
जो त्रिपुरा में रहते हैं, आपने देखा है, आप लोगों का भी घर बांग्लादेश में था, हमारा भी है। इस बार बीरचंद्र लाइब्रेरी, महाराजा बीरचंद्र लाइब्रेरी कोमिला में, जहां में पुराने पुराने ऐतिहासिक किताब था, उसको जलाया गया। ये क्या चल रहा है? और अगर हम कुछ बोलते तो हमको धमकी मिलता है। सरकार में बहुत लोग बैठे हैं जो चुप है, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मुझे लगता है कि इसमें सब हमारे साथ है, जो दिल का बात है। आने वाले दिन में पूजा है, अगर हमारे लोगों को फिर से पूजा के समय पीटा गया, मारा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अभी से प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग इंटरनेशनली क्या एक्शन लेने वाले हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर द हिंदूज, दिस इज फॉर द बुद्धिस्ट, फॉर द क्रिश्चियंस, फॉर एवरीवन हु इज सफरिंग राइट नाउ इन बांग्लादेश बिकॉज ऑफ अ सिस्टमैटिक प्लान बाय द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। यही मेरा बात था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन आंसर। कोई सवाल है तो आई कैन आंसर। पब्लिक का एक सवाल है जो एडीसी का सब्जेक्टिव एग्जाम का कि जो बाय बाय एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, उसका वजह जानना चाहता हूं। मुझे चिट्ठी मिल गया है ऑल माय एमएलए से। मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर कहीं में भी शॉर्टकमिंग है, तो मैंने दिल्ली में भी ये तिप्रा से, अच्छा सवाल है आपका, मैंने तिप्रा सा अकाउंट में ये बात रखा है कि अब से कोई भी एग्जाम्स हो हमको स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए, टीपीएससी को देना चाहिए, जीआरबीटी को देना चाहिए, या कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडी को देना चाहिए, और उन्हीं को एग्जाम्स कंडक्ट करना चाहिए। क्योंकि ये मेरे एमएलएस का भी, एमडीसीस का भी व्यू है, और मेरा भी ये पर्सनल व्यू है कि जहां में भी कोई साइन हो कि कोई पॉलिसी ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, वो सबको कैंसिल करके सब लोगों को फ्रेश चांस दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम एग्जाम एडीसी नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए या इंडिपेंडेंट सेंट्रल एजेंसी को करना चाहिए। तो मैं पिछले बार जो इंजीनियरिंग का जो एग्जाम लिया गया था, इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट जो पीयू, ये सब एग्जाम वो कैंसिल हो जाएगा? आपका भी तो पर्सनल व्यू वही है, तो मैं आप ही का पर्सनल व्यू भी, मेरा भी पर्सनल व्यू वही है, क्योंकि इसमें इलेक्टेड लीडर्स का कोई हाथ नहीं। और जहाँ में भी उंगली उठाया जाता है, ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम जस्टिस शुड नॉट बी शोन, इट शुड बी ऑल्सो सीन टू बी शोन। तो आई थिंक दैट दिस इज माई पर्सनल व्यू, और सबने चिट्ठी लिख के भी दिया है कि ये पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को दोबारा फीस नहीं देना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए। यही बात मैंने चीफ सेक्रेटरी से भी बात किया है, और दिल्ली में भी जब हमारा मीटिंग हुआ तो मैंने कहा कि अगर ये होता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंटली ही एग्जामिनेशन दिया जाना चाहिए। अब से पहले एडीसी में जो भी सीपीएम को वोट करता था, जो भी वोटर था सीपीएम का, उन्हीं को वॉक इन इंटरव्यू मिलते, नौकरी मिल जाता था। मैंने प्रोसेस को चेंज करने के लिए इंटरव्यू लाया, रिटन एग्जाम सिस्टम लाया, लेकिन बहुत लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि हमारे यंग यूथ को नौकरी मिले। वो चाहते हैं कि जैसा सिस्टम चल रहा था वैसे ही रहे, तो नाम खराब करने के लिए सब लोग रेडी हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप यूथ को चांस नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। अब अगर एडीसी में ये लोग नहीं चाहते हैं, कुछ कुछ ऑफिसर, सब नहीं, बहुत लोग चाहते हैं, कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत साल से बैठे हुए हैं वहाँ में, तब सबसे अच्छा है कि इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया जाए। ब्लैक शीप इन द सिस्टम इज नॉट ओनली इन एडीसी, इट इज इन द एंटायर स्टेट ऑफ त्रिपुरा। द जॉब, आई वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम, अनफॉर्चुनेटली आई एम सफरिंग माई सेल्फ इन पर्सनली ऑल्सो। करप्शन हैज बिकम डीप रूटेड, but the fact is that if I give up today, then the young generation will never get a solution. If 99% people think it is wrong, then for 1% I am not going to betray the 99%. Many people also, I had said that 10,323 teachers, I raised that subject in Delhi also, because I think that I had given them a commitment, my personal commitment. People ask me kya ho raha hai, at least today it's not election, still I have gone and spoken. एक टाइम रिलीफ भी इनको दे दो। तो आई थिंक दैट त्रिपुरा नीड्स आफ्टर द फ्लड्स, हाउ मेनी पीपल हैव सफर्ड, हाउ मेनी पीपल आर अनएम्प्लॉयड, एंड वी नीड टू कम आउट विद अ क्लियर पॉलिसी। एडीसी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, हूएवर इट इज, नीड्स टू ऑल्सो कम आउट विद अ प्रोसेस वेयर जस्टिस इज सीन टू बी डन, एंड आई थिंक फॉर दैट वी हैव टू वर्क टुगेदर। आई थिंक अकॉर्ड, गुड क्वेश्चन आपका अकॉर्ड के बारे में।
अकॉर्ड में मैं था, बी के रामफल था, स्टेट गवर्नमेंट से होम सेक्रेटरी था, ट्राइबल अफेयर सेक्रेटरी था ब्रजेश पांडे जी एंड मिस्टर चक्रवर्ती, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉइंट सेक्रेटरी थे, ए के मिश्रा थे एंड आई बी के डायरेक्टर भी थे. मीटिंग वॉज वेरी गुड, मैंने अपना सब पॉइंट्स रखा है, उन्होंने भी अपना सजेशंस दिया है और हमने एग्री किया है. जैसे पहले भी अग्रीमेंट्स हुए हैं लेकिन एक बार मीटिंग के बाद एक साल दो साल तीन साल तक कुछ मीटिंग नहीं हुआ. तो हमने रखा है कि हर दो महीना हमारा बात होगा. मैंने अपने सब पॉइंट्स, लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज में मैं एक बात बोल सकता हूँ, आज यूपीएससी में अगर कोई तिपरा साहब को एग्ज़ाम लिखना है, दे हैव टू राइट इन बंगाली, दे वॉन्ट टू राइट नॉट ओनली तिपरा साहब, अदर कम्युनिटीज आर ऑल्सो देयर, उनको ऑप्शन देना चाहिए लाइक इन मिजोराम, मेघालय, मणिपुर, कि एक एडिशनल लैंग्वेज दिया जाए, क्योंकि बहुत लोग बांग्ला लैंग्वेज में कंफर्टेबल नहीं है. तो मैंने कहा कि बंगाली लैंग्वेज को रखिए, हटाइए मत, लेकिन और एक ऑप्शन दे दीजिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेलकम किया है कि हाँ, हमारा रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में, उसका डिलिमिटेशन के थ्रू जैसे आसाम में हुआ वैसे यहाँ भी होना चाहिए. उसके बाद हमने अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात किया है और पॉलिटिकल राइट्स का भी हमने बात किया है, 125th अमेंडमेंट जो होना चाहिए उसके बारे भी बात किया है, डायरेक्ट फंडिंग के बारे भी बात किया है, लैंड राइट्स के बारे बात किया है. तो सब इश्यूज़ में हमने बात किया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो सेड दैट हम लोग ने अच्छा अप्रोच लिया है. अच्छा, मैंने सिर्फ अपने जनजाति भाई और बहनों के लिए बात नहीं किया, आई ऑल्सो स्पोक अबाउट द मणिपुरी कम्युनिटी, द चा बागान कम्युनिटी, उनके बारे भी बात किया. जो गांव एडीसी से बाहर है, जिनको एडीसी में वापस आना है, लाना है, उनका बात भी मैंने रखा. तो मैंने सब बात रखा है और हमने एग्री किया कि हर दो महीना हम लोग मिलेंगे. नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन नवंबर. ना, जब पहला बात होता है तो हम लोग अपना पॉइंट रखते हैं, वो लोग अपना पॉइंट रखते हैं, हमने राइटिंग में दिया है. वो लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में एडीसी एक प्रेजेंटेशन दे रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द काउंसिल. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने दिया है और नवंबर में अच्छे तरह, देखिए, आई वांट त्रिपुरा, देर शुड बी नो वायलेंस, देर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन तिपरासास एंड नॉन तिपरासास. आई वॉन्ट माई स्टेट टू डेवलप, आई वॉन्ट तिपरासास टू डेवलप, बट आई डोंट वॉन्ट बंगालीज टू सफर. I want Manipuris to come up, but I don't want Chabagans to suffer. This is of course our state. So, मैं चाहता हूँ कि अच्छे तरीके से इसको लिया जाए. मैंने देखिए ATTF NLFT का 250 करोड़ का पैकेज आया है. मैंने कहा कि वो बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन जिन लोगों का घर जल गया, जिन लोगों को बेघर किया गया, जिनको मारा गया, ट्राइबल भी मरे, बंगालीज भी मरे इंसर्जेंसी में, उनको भी कुछ मिलना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि बहुत अच्छा सजेशन है, ये भी होना चाहिए. तो अच्छे तरीके से बात हुआ है. स्कूल्स के बारे में बात हुआ है. आज ADC में 1633 स्कूल्स हैं. कुछ स्कूल्स में 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 टीचर्स हैं. कुछ स्कूल में 0 स्टूडेंट्स हैं. 18 स्कूल्स में 1 स्टूडेंट्स नहीं है. तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया कि आप रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाइए, हॉस्टल्स को अपग्रेड कीजिए, तो क्लस्टर फॉर्म में हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने उसका भी वेलकम किया और हमने कहा है कि TET क्वालिफाइड टीचर्स को नौकरी मिलना चाहिए. यंग लड़के लड़कियों जो आज क्वालिफाइड है वो 5,000, 10,000, 15,000 में डॉन बॉस्को, सेक्रेड हार्ट में टीचिंग कर रहे हैं. और हमारे जो ADC में कुछ कुछ टीचर्स हैं जो क्लास 10 पास है, वो 70,000, 80,000 का नौकरी कर रहे हैं. सफ़र तो हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं. तो उसके बारे में मैंने सजेशन दिया है कि उनको मत हटाइए, लेकिन एक प्रोविजन दीजिए कि क्वालिटी टीचर्स को लाया जाए, क्वालिटी हेल्थ सिस्टम को लाया जाए, वो सब बात होगी. Manipuri community. I have asked for a seat to be reserved for the Manipuri community. Manipuri community has been a part and parcel of our society. And I think that a seat should be also reserved for them. I have said that. I have given a commitment to the Manipuri people, Vishnupriya, Maitei, but for a Manipuri speaking community, there should be a seat given to them. Not only Manipuri, let's say the Halam community. In Pani Sagar, Bagbasa area, they've been asking for a Halam block. Ranglong, Darlong, Chorei. I think it's a genuine demand. Why shouldn't we talk about it? I think we should do that. Within the same 60 or additional? Within the same 60. It's not up to me whether they want to take it to 70 or 60, but as of now, it's 60, it should be within 60. But it's. आपका
आप कौन है? हाँ बताइए प्लीज। हाँ त्रिपुरा में त्रिपुरा में त्रिपुरा का कल्चर अलग है। त्रिपुरा में मूर्ति का रक्षा भी मुसलमान करते हैं। शूजा का मस्जिद भी महाराजा ने ही बनाया, बुद्ध मंदिर भी महाराजा ने बनाया। क्रिसमस 1903 में उजेंता पैलेस में हुआ। हमारा कल्चर अलग है और हमको त्रिपुरा को पाकिस्तान नहीं बनाना है जहाँ में हम लोग माइनॉरिटीज़ का रक्षा नहीं करते। सो मुझे लगता है कि जो भी त्रिपुरा को नेक्स्ट बांग्लादेश बनाना चाहता है या नेक्स्ट पाकिस्तान बनाना चाहता है वो इंडिया का छवि को खराब करता है। मुझे नहीं लगता है कि 99% मुस्लिम्स अग्री करते हैं जो बांग्लादेश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, क्रिश्चियन के साथ क्या हो रहा है, बुद्धिस्ट के साथ क्या हो रहा है। तो हमें ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जहाँ में देश के नागरिक को हम अटैक करें। और अगर यहाँ में 1% लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं तो उनका काम है, कानून से कानून उनको अरेस्ट करेगा, कानून उनको जेल में डालेगा। हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना। ये मेरा सजेशन। पिछले 2-3 महीने पहले बांग्लादेश में जो कोटा आंदोलन हुआ था, कोटा आंदोलन में बीरचंद्र लाइब्रेरी को तोड़ा गया, जलाया गया, किताब जलाया गया, पुराना किताब। अभी अचानक वहाँ के इंडिजिनियस पीपल के ऊपर फिर से अटैक हो रहा है, क्या मकसद हो सकता है इस बार बार इस तरह इंडिजिनियस के ऊपर अटैक होने का? इंडिजिनियस नहीं, देखो वहाँ के लोग जमीन चाहते हैं, बांग्लादेश घट रहा है, उनको जमीन चाहिए। तो ये लोग मजहब के नाम में, खाने के नाम में, कपड़े के नाम में ये लोग हमेशा हमें टारगेट करेंगे। मैंने यही बात पहले कहा, यही चीज़ कुमिल्ला में हुआ, यही चीज़ नोआखाली में हुआ, ये 1940 में भी हुआ, 46 में हुआ, 56 में हुआ, 65 में हुआ। तो ये पहला बार नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया हमेशा चुप बैठा रहा। जब राइट्स ऑफ कुमिल्ला 1946 में हुआ, महात्मा गांधी ने महाराजा वीर विक्रम को चिट्ठी लिखा, इसी के लिए महाराजा ने जब जो शरणार्थी थे उनको जगा दिया। लेकिन अब टाइम आया है कि इंडिया को भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, हमारे माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश उनका बाप का नहीं है, हमारे लोगों का भी है, हमारा भी रियासत है। तो ये नहीं चलेगा कि वो लोग जब भी चाहे हम लोगों को मारे पीटे, बोले जाओ इंडिया। हम लोग क्यों जाएं? ये हमारा जगह है, ये हमारा भूमि है, ये हमारा मंदिर है, हमारा घर है। और अगर हिंदुस्तान ताकत से माइनॉरिटीज के पीछे खड़ा रहता है, आई एम विथ माई कंट्री एंड आई विल टीच दीज पीपल। बांग्लादेश के कुछ इंटेलेक्चुअल तो नोटिस का कुछ पार्ट भी अपने हिस्से में लेने के लिए बात कर रही है, आप इस बारे में बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट से कुछ बात करके देखो आप उनको इंटेलेक्चुअल्स मत बोलिए। अगर बंदर शेर का राजा बनना, जंगल का राजा बनना चाहता है तो बंदर तो शेर नहीं बनता है। बंदर सिर्फ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदेगा। उनको आप इंटेलेक्चुअल मत बोलिए, 5 सेकंड लगेगा हमको दिखाने के लिए कि इंडिया क्या है। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, वो गवर्नमेंट और बांग्लादेश को उनको लगाम में लाना चाहिए। जिस देश ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिसने अपना जान दिया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या नहीं किया। रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके मुख में उन्होंने ताला लगा दिया। वो देश में एक चीज़ तो दिखा दिया गया है कि इनके ये लोग बेईमान, इनके ऊपर एहसान फरामोश, दे आर अनग्रेटफुल। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर पॉलिसी लेना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश को एक्सपोज करना चाहिए। अभी पूजा आ रहा है, पूजा में फिर से ये लोग करेंगे। अभी अगर इंडिया ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, इसी के लिए 26 तारीख को हम लोग साबरूम में रैली कर रहे हैं, 2 बजे हमारा रैली है। मैं अपील करता हूँ सबको, बंगालीज हो, चाकमास हो, तिपरासा हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हम लोग सब साबरूम में रैली करेंगे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को जो बांग्लादेश में है। ये काम दूसरे पार्टी को भी करना चाहिए था लेकिन नहीं कर रहा, हम लोग करेंगे। और हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपको 2 बार सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम आप हमारे लोगों को कुछ करोगे तो। और अगर हमने इंटरनेशनल प्रेशर रखा, सैंक्शन रखा, जैसा बांग्लादेश में वर्ल्ड बैंक का पैसा आना बंद हुआ, ADB का पैसा आने बंद हुआ, तब ये लोग को फोर्स करके इनको हमारे लोगों को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा।
वगैरह कुछ लोगों का मानना कि ये जियो पोलिटिकल है, क्या ये हो सकता है ऐसा वगैरह? जियो पोलिटिकल अभी तो नहीं हुआ, ये देखो एक पॉलिसी है कि हम इन हमारे लोगों को, मैंने यही तो कहा ये ऐतिहासिक प्रॉब्लम है। नौखाली में क्या हुआ, ब्राह्मणबाड़ी में क्या हुआ, आज कोई इतने लोग जो त्रिपुरा में है, कोई दिल ऐसी छोड़कर आ गया त्रिपुरा? नहीं, मारा गया, मर्डर किया गया, रेप किया गया, घर जलाया गया, मंदिर को जलाया गया, चर्चेस गॉट बर्न्ड, बुद्धिस्ट मंक्स वर बीटन अप। तो ये जियोपॉलिटिकल नहीं, ये है क्रिमिनल एक्ट। जियोपॉलिटिकल होता है व्हेन यू डू टू अचीव अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट, या यू डूइंग इट बिकॉज यू आर फैनेटिकल। सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू कम अप विद अ पॉलिसी। क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी? हमारा पॉलिसी पिछले 50 साल से है कि शेख हसीना, मुजीबुर रहमान फैमिली इज आ फ्रेंड, एक परिवार हमारा दोस्त है। लेकिन देश में बहुत लोग हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हैं। आज श्रीलंका इंडिया के अगेंस्ट है, नेपाल में इंडिया का अगेंस्ट पॉलिसी है, पाकिस्तान तो पहले से इंडिया का अगेंस्ट था, मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन है, बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अब पॉलिसी निकालना चाहिए कि इन लोगों को एक सबक सिखाया जाए। थैंक यू।